ये आकाशवाणी है। सामयिकी में प्रस्तुत है जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक पवन अरोड़ा और पत्रकार शिशिर सिन्हा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में सबसे बड़ा जो मुद्दा आया वो यह था मोबाइल हैंडसेट पे जो जीएसटी की दर बढ़ाई गई। हालांकि ये कहा जाता है कि ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को करेक्ट करने का एक कदम है, लेकिन एक ये आशंका बन रही है कि इससे दाम बढ़ेंगे। हम अपने श्रोताओं के लिए समझना चाहेंगे कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता क्या है, और ये जो सरकार दावा कर रही है कि दाम बढ़ने को लेकर के कोई ऐसी बात नहीं है, उनसे आप कितने सहमत हैं? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपका जो इनपुट है वो 18% पे बट आपका आउटपुट 12% पे, तो इससे क्या होता है 6% के डिफरेंस के कारण जो मैन्युफैक्चरर्स है उनका जो क्रेडिट है वो एक्यूमुलेट होता चला जाता है। सो वो एक्यूमुलेशन के कारण वो यूटिलाइज नहीं कर पाते। हालांकि इसको रिफंड लेने के मैकेनिज्म भी हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को अगर खत्म करने के लिए क्या करा जाता है, अगर आपका इनपुट 18 पे है तो आपके आउटपुट को भी 18 पे कर दिया जाए ताकि आपका जो एक्यूमुलेशन ऑफ ITC है वो खत्म हो जाए। और जहां तक मोबाइल को 12 से 18% करने की बात है, रेट तो बढ़ेंगे इसके ऊपर, अगर इसमें एक्यूमुलेशन मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का हो रहा है तो उसके कारण हो सकता है कि वो जो एक्यूमुलेशन का उनका यूटिलाइजेशन कंप्लीट हो जाए और उनकी कॉस्ट ना बढ़े। कहीं ना कहीं हर एक मैन्युफैक्चरर की ये कोशिश रहती है कि अगर टैक्स रेट बढ़ा है तो, क्योंकि वो कलेक्ट तो करेगा, जो उसका इनपुट है वो पहले भी था आज भी है, इससे कहीं ना कहीं रेट बढ़ने की थोड़ी सी चांसेस तो है। आईटी सिस्टम को लेकर के जीएसटी एसएससीज की सबसे बड़ी परेशानी, वो हमेशा कहते हैं कि हम रिटर्न समय पे दाखिल करना चाहते हैं लेकिन सिस्टम जो है वो हमको सपोर्ट नहीं करता है। ये एक एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और खासतौर पे जब आप नए रिटर्न सिस्टम की बात कर रहे हैं, इनवॉइसिंग की बात कर रहे हैं, क्यूआर कोड की बात कर रहे हैं, ये कितना बड़ा कदम हो सकता है? जब से जीएसटी आया था, जीएसटी में सिस्टम्स को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। इन प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए हमारी फर्म ने उनके बिहाफ पे एक रिट पिटीशन भी दाखिल की हुई है दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर। हर बार अपनी परेशानी दिखाते रहे हैं कि एसएससीज को तरह तरह की परेशानियां आ रही हैं। तो उस केस में पिछले 2-4 महीने में बात करूं, उस रिट पिटीशन के अंदर इन्फोसिस और टेक महिंद्रा के ऑफिशियल्स को कोर्ट में बुलाया था। आज 3 साल हो गए हैं, सिस्टम ठीक नहीं हो पा रहा है। और अब एक नया रिटर्न सिस्टम आना था 1 अप्रैल से, और एक ई इनवॉइसिंग आना था 1 अप्रैल से। अब वो भी वो उसको इम्प्लीमेंट करने में सक्षम नहीं है, वो अब उसको 1 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट करने के लिए कह रहे हैं। थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि इसमें एक हार्डवेयर, जो उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में भी लिखा है कि कोरोना वायरस की वजह से हार्डवेयर नहीं आ पा रहे हैं, मुझे लगता है कि इतना कम गैप में, इतनी कम प्लानिंग के साथ अगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है तो थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा। एक मुद्दा ये भी था कि 2018-2019 का जो एनुअल रिटर्न है, जिसके लिए तारीख 31 मार्च 2020 थी, और खासतौर पे जो हमारे छोटे कारोबारी हैं जिसको हम लोग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं, उनके लिए जीएसटीआर 9C जो कि रिकंसिलिएशन या ऑडिट स्टेटमेंट होता है, उसमें आपको छूट दे दी गई है। और ये भी कहा गया है कि पहले 2 साल के लिए किसी भी तरह के आपको पेनाल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बड़ा कदम है? जीएसटी के अंदर एक ऑडिट का प्रोविजन है कि आपको हर साल अपना ऑडिट कराना है। सो 5 करोड़ से नीचे ऑडिट कराने की जो कंपल्शन है वो हटा दी है। इससे एसएससी को क्या है कि जो कंप्लायंस है, अननेसेसरी बर्डन है, वो थोड़े से रिड्यूस हो जाएंगे। ये जो ई इनवॉइसिंग है जो 1 अक्टूबर 2020 से लागू होने की बात है, ये दरअसल है क्या? कोई भी टैक्स पेयर जब इसको इनवॉइस रेज करेगा उसकी डिटेल्स ऑनलाइन अपलोड करेगा, दैट इज कॉल्ड ई इनवॉइसिंग। इनवॉइसिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको ई इनवॉइसिंग करनी है या ईमेल आईडी पे भेजना है या सॉफ्ट में भेजना है। ई इनवॉइसिंग का मतलब है आपको जो आपकी इनवॉइस की डिटेल्स हैं वो ऑनलाइन अपलोड। हम लोग अब तक KYC सुनते थे, अब ये KYS आ गया, ये क्या है? लोग क्या करते हैं कि फेक इनवॉइसेस का एक रैकेट चलाते हैं, या फिर कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में आपको इनवॉइसेस रेज कर दी, बट आपसे टैक्स कलेक्ट कर लिया बट सरकार को पे नहीं किया। तो जीएसटी में क्या प्रावधान है कि अगर आपका सप्लायर टैक्स पे नहीं करेगा सरकार को तो आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर लिटिगेशन भी होती रही है कि अगर मेरे सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया तो आप हमसे कैसे मना कर सकते हैं, आप उसको पकड़िए। तो इसको और फर्दर स्ट्रांग करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जिसमें से एक है आप अपने सप्लायर की डिटेल्स आप ऑनलाइन पोर्टल से चेक कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, उसने कितने रिटर्न्स फाइल करी है, नहीं करी है, वो प्रॉपर टैक्स पे कर रहा है, उसका क्या बैकग्राउंड है। इसमें 2-3 और कदम उठाए हैं। एक है सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बैंक्स, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक से इन्फॉर्मेशन लेता था, अब ये भी बैंक से इन्फॉर्मेशन लेंगे। और उसके अंदर इन्होंने करा है कि जो भी नया रजिस्ट्रेशन लेगा उसका जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगा और उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड जब तक चेक नहीं हो जाएगा, तब तक उसकी इनवॉइस पे उसका रिसिपिएंट क्रेडिट नहीं ले सकता है।
तो जब उसकी सिस्टम में उसका क्रेडिट नहीं दिखाई देगा तो वो तभी तक उसको पैसे ना दे सप्लायर को जब तक उसका फिजिकल वेरिफिकेशन टैक्स डिपार्टमेंट पूरा ना कर ले। और एक कदम है जिसमें इन्फोसिस ने भी कल बताया है जिसपे वो काम भी कर रहे हैं, आधार ऑथेंटिकेशन, ताकि जो सप्लायर है उसका आधार ऑथेंटिकेशन हो जाए। तो ये सारे कदम जो हैं वो इसलिए उठाए जा रहे हैं कि जो पर्सन आपसे टैक्स कलेक्ट कर रहा है वो सरकार को जमा करा रहा है या नहीं करा रहा है, इसकी जानकारी आपको प्रॉपर मिल सके। मतलब इसको सीधे सीधे कहें कि बिजनेस आप जिससे कर रहे हैं वो कितना ज्यादा सही तरीके से बिजनेस कर रहा है, क्योंकि आपका भी काफी कुछ जिसको कहते हैं कि साख उसके ऊपर भी निर्भर करता है जो सही तरीके से काम कर रहा है। एक मुद्दा जो कि था, अगर आप जीएसटी पेमेंट में डिले करते हैं जिसमें लगभग 46,000 करोड़ रूपये के इंटरेस्ट के डिमांड भी रेज की गई थी, एसएसएस काफी परेशान थे, तो जीएसटी काउंसिल ने ये तय किया कि भाई ये जो नेट कैश लायबिलिटी हम उस पर करेंगे और जो कानून में बदलाव है वो करेंगे। असीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या मतलब है और उसको किस तरीके का फायदा हो सकता है? जी, सबसे पहले तो मैं इसको बोलूंगा कि देर आए बट दुरुस्त आए। असल में ये मुद्दा 2018 में ही सरकार ने ठीक करने की कोशिश की थी बट उसको अभी तक नहीं ला पाए थे। हम जो अपने टैक्स की पेमेंट करते हैं, टैक्स की पेमेंट दो तरीके से करते हैं, हम कैश से भी पे करते हैं और क्रेडिट से भी। तो क्रेडिट का ये माना जाता है कि क्रेडिट तो हमेशा सरकार के पास है, क्रेडिट जो आपने अपने गुड्स खरीदने पे टैक्स दिया था सरकार को उस पे आपको क्रेडिट मिलता है, तो उस टैक्स का क्रेडिट माना जाता है कि वो पैसा तो हमेशा सरकार के पास है। तो अब अगर मैं उदाहरण तौर पे दूं, आपकी 100 रुपए की टैक्स लायबिलिटी है और आपने 70 रुपए की टैक्स लायबिलिटी अपनी क्रेडिट से पे करी है और 30 रुपए की कैश से पे करी है, तो मुद्दा ये उठा कि जब मान लीजिए आपने वो 100 रुपए का पेमेंट आपने 5 दिन डिले से भरा तो आपको ब्याज कितने पे देना है, पूरे 100 पे या 30 रुपए कैश पे? तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 2018 के बजट में अमेंडमेंट प्रपोज की थी जो आज तक नोटिफाई नहीं करी है। उसमें ये बोला गया था कि आपको सिर्फ जो कैश से पे करेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, क्योंकि क्रेडिट पे आपको देने की जरूरत नहीं है, वो आप हमेशा से सरकार के पास रहा है। बट ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं ला पाए और ये केसेस कोर्ट्स में चले गए, नोटिसेस इश्यू होने लग गए कि आप अपने क्रेडिट पोर्शन पे भी इंटरेस्ट दीजिए। तो मद्रास हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया कि आपको खाली कैश पोर्शन पे देना है। हम लोगों ने भी 2-3 केसेस दिल्ली में फाइल किए अभी रिसेंटली, क्योंकि ये बहुत सारे एसएसएस की डिमांड है। अब सरकार ने ये निर्णय किया है कि आपको खाली कैश पोर्शन पे देना है और वो भी 1 जुलाई से। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है उन एसएसएस के लिए जिनको लाख्स ऑफ रूपीज के नोटिसेस आए हैं। पूरे एक सिस्टम की मैं बात करूं जीएसटी कलेक्शन को लेकर के, कल एक पहली बार ये मुद्दा आया कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्यों को जो कमी हो रही है उसकी भरपाई करने के लिए उधारी भी ली जा सकती है। ये जो बोरोइंग की बात जो सरकार कर रही है, हालांकि अभी उसके फाइन प्रिंट तैयार नहीं है और बजट सेशन जब खत्म हो जाएगा तो एक विशेष बैठक जीएसटी काउंसिल की होगी जिसपे इस पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम तीसरे साल में जब कंपनसेशन देने के लिए बोरोइंग की बात कर रहे हैं तो किस तरह की पूरे सिस्टम में और बदलाव की जरूरत है जिससे कि हमें बोरोइंग की जरूरत ही न पड़े? अभी मोबाइल के रेट को लेकर के भी है, 12 से 18 है और गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं, क्योंकि जब शुरुआत के 3 साल गवर्नमेंट ने ये कोशिश की थी कि टैक्स रेट कम कर दिए जाएं, लेकिन अब सरकार थोड़ा रिवर्स चल रही है। सरकार जहां पर पॉसिबल हो पा रहा है, जिन गुड्स के ऊपर हो पा रहा है, उनके रेट्स बढ़ाने की कोशिश कर रही है और कुछ टैक्स स्ट्रक्चर ठीक करने की कोशिश कर रही है, कुछ सख्त कदम उठाने की कोशिश कर रही है जैसे फ्रॉड केसेस हैं। तो बोरोइंग ना हो और आपके टैक्स कलेक्शन ज्यादा इम्प्रूव हो जाए, आपको एक टैक्स फ्रेंडली सिस्टम एनवायरमेंट डेवलप करना पड़ेगा और इस लॉ को जितना इजीली इम्प्लीमेंटेशन कराया जाए। अगर आप मैं बात करूं, पिछले 3 साल से कोई लीगल इशू के ऊपर झगड़ा नहीं है जीएसटी के ऊपर, सिस्टम रिलेटेड झगड़े बहुत हैं। आप रिफंड क्लेम फाइल नहीं कर पा रहे हैं, आप रिफंड को लेकर के बहुत बड़ा डिसीजन हुआ, हमें अभी पिछले 4 महीने पहले कोर्ट से डिसीजन लेकर आना पड़ा कि आप रिफंड मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स का एक साथ फाइल कर सकते हैं। सरकार इसको सर्कुलर से क्लैरिफाई कर रही थी कि नहीं कर सकते, दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्कुलर को भी क्वैश कर दिया। अब इस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि आप 2 फाइनेंशियल ईयर में आए गए मंथ्स का भी रिफंड एक साथ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं कि जो जीएसटी एसएससी हैं, करदाता हैं, उनकी परेशानी दूर होगी। इस बातचीत में भाग लेने के लिए आपका शुक्रिया। जी, धन्यवाद।